मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में कैसी स्थितियां हैं आज के समय, क्या राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, इस बात पर हम बात करेंगे। श्री संदीप जी हमारे साथ हैं, आइए। नमस्कार संदीप जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हमारा कि बिहार में चुनाव आ गया है, राजनीतिक स्थितियां कैसी लग रही है? जी, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पब्लिक भी कंफ्यूज है सरकार की नीतियों को लेकर, क्योंकि सरकार अपने सभी फ्रंट पे उस तरह से सफल साबित नहीं हुई जिस तरह से पब्लिक उनको देखना चाहती थी। या नीतीश जी की सरकार हो या जो भी हो, आज हमारे जो डिप्टी सीएम है सुशील मोदी जी, वो 15 साल सरकार में रहने के बाद भी लालू प्रसाद यादव जी को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने बिहार में अस्पताल नहीं बनवाया। तो 15 साल से भाई साहब आप लोग बैठे हैं सरकार में, आपकी कोई जवाबदेही जिम्मेवारी नहीं है। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो कोरोना इस तरीके से फैलते जा रहा है पूरे बिहार में, अंडर कंट्रोल सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है उनसे, तो जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, स्वास्थ्य सचिव बदले गए, प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया बिहार सरकार का, इसके बाद इन्होंने दौरा करना शुरू किया। अगर सरकार की कमियों को नालंदा हॉस्पिटल के चिकित्सक, प्रमुख चिकित्सक ने उठाया तो उनका तबादला कर दिया गया। तो समस्या का समाधान तबादला तो नहीं हो सकता, या नए लोगों को, आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास उससे निपटने की एकदम साफ रोड मैप होना चाहिए कि इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या सुविधा है। उन सारी सुविधाओं को तो कोई ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ अधिकारियों को बदल दिए या ट्रांसफर कर दिए या नए लोगों को लिया है। सवाल आपसे, सुविधाओं की बात है, पॉलिसी का विषय है, सबसे जरूरी बात है कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, पब्लिक जो है, पब्लिक परेशान है। पब्लिक जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, उसकी इतनी बुरी स्थिति पटना में है, तो आप सोचिए कि बाद के डिस्ट्रिक्टों में क्या होगा। पटना में बारिश होती है, जल जमा हो जाता है, उससे निपटने का सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। इसमें बिडको, जो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो भूमिका है वो बहुत ही संदिग्ध रही है। जो पटना का विकास करना था, जहाँ पे नदी और तालाब को सही उसका मैनेजमेंट करना चाहिए था, वो सब उन्होंने किया नहीं। जहाँ पे पाइपलाइन बिछानी चाहिए थी 2.25 मीटर, वो पता नहीं किस तरीके से कौन से लेवल पे उन लोगों ने काम किया कि जब भी हल्की सी बारिश होती है पटना में बाढ़ का ये पूरा सीन बन जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है, फिर ये क्या करते हैं कि अधिकारी को बदल देते हैं और जांच चल रही है। तो ये वाली परिस्थिति से निकलना होगा। अगर कोई काम नहीं होता है तो जिसकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेवारी है, उससे पूछा जाना चाहिए उसके ऊपर। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति शहरों की है, राजधानी की है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालत कैसी हो? बाकी का तो भाई भगवान ही मालिक है, क्योंकि सरकार के तरफ से जो डाटा जारी होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, वो जनता के हिसाब से डाटा देते हैं ताकि जनता में संतुष्टि बनी रहे। कोरोना का सही से टेस्ट नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल के आगे दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें। मतलब सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आया हुआ था, इनके पास बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, तो एक बेहतर मैनेजमेंट का विकल्प देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बेहतर मैनेजमेंट की बात आएगी। जहां तक पिछले सरकार के गठन हुए, चुनावी मुद्दे, उस समय किस तरह के वायदे किए गए और कौन से वायदे ऐसे हैं जो आज पूरे नहीं हुए? देखिए, सरकार जो बिहार की सरकार है, नीतीश जी और श्री सुशील मोदी जी, इनकी मिली जुली सरकार है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता के लिए आपने क्या किया, आपने क्या पॉलिसी बनाई? केंद्र सरकार में अगर स्टार्टअप इंडिया का काम चल रहा है तो आपने कितने स्टार्टअप स्टार्ट किए? बिहार में आपने कितने एमएसएमई के लोन दिए, कितने उद्योग धंधे आपने स्टार्ट करवाए, कितने स्कूल की स्थितियां सुधारी, कितने बच्चों को फैसिलिटी मिला स्कूल में? ऐसी कोई भी जानकारी
इस लेवल पे उपलब्ध नहीं है जिससे जनता को कहा जा सके कि सरकार की जो उपलब्धि रही हो संतोषप्रद रही है। तो जनता में आक्रोश है, अगर आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप जनता को सहूलियत नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो ये स्थिति बड़ी विकट स्थिति है। और इस बार चुनाव में जनता सरकार को सबक सिखाने के मूड में है। ये बिल्कुल जनता सबक सिखा सकती है, जनता ही चुनती है अपनी सरकार। एक बार जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार अपना पूरा परिचय आप उन दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। जी जी, मेरा नाम संदीप स्नेह है और मैं पटना के कदमकुआं का निवासी हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पटना के पाटलिपुत्र हाई स्कूल से पूरी की, फिर प्लस टू मैंने पटना कॉलेज से किया, उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला आया, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ऑनर्स किया और एमए किया, फिर मैंने मास्टर इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर किया और एमबीए किया, ये मेरी डिग्री है। मैं टोटल 20 साल का जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो सामाजिक विकास के साथ ही मैं जुड़ा रहा, एनजीओ के साथ जुड़ा रहा और इस सेक्टर में मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की जो यूनिट है उसके साथ भी जुड़ा रहा। दिल्ली, मैंने बिहार में, दिल्ली में, आसाम में, हरियाणा में, यूपी में, बहुत सारे स्टेटों में काम किया है और स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए मैंने काम किया है। इसके बाद मैं मारुति सुजुकी के साथ जुड़ा रहा, वहाँ पे उनका मैं सीएसआर डिवीजन देखता था जिसमें आईटीआई को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए और टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन को मारुति ने इस्टेब्लिश किया और लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध किए। इसी क्रम में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से अप्रोच किया था और श्री सुशील मोदी जी से अप्रोच किया था जब मैं मारुति सुजुकी में था कि मैं चाहता था कि मारुति सुजुकी बिहार में भी कम से कम 5 आईटीआई को अडॉप्ट करे और वहाँ बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग दे और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करे, पर पता नहीं किन नीतियों के कारण वो संभव नहीं हो पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिहार सरकार को रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए, कितने स्टार्टअप किए, कितने उद्योग धंधे बैठाए। मैंने नीतीश कुमार जी को एक पत्र भी लिखा था जब बिहार के मजदूर दिल्ली छोड़कर, गुजरात छोड़कर, राजस्थान छोड़कर, बॉम्बे छोड़कर लौट रहे थे, उनके पास खाने पीने का उपाय नहीं था। तो मैंने कहा कि ये स्थिति अब बिहार के साथ ही क्यों आती है, जिसका इतना बड़ा इतिहास रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, आज उसी राज्य को मतलब रोटी पानी के लिए लोगों को दर दर दूसरे राज्यों में भटकना पड़ रहा है। तो सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं तैयार करती कि लोगों को उपलब्ध करा सके रोजगार। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास डॉकयार्ड है, कलकत्ता बिहार से बहुत नजदीक है, हम क्यों नहीं इंडस्ट्री लगा के यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं और बिहार को एक अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोगों के जीवन में सुकून का माहौल हो। बिल्कुल संदीप जी, इसी सवाल पर मैं आना चाहता था। जो लोग पलायन करके गए हैं दिल्ली से, मुंबई से, महानगरों से पलायन करके वापस बिहार पहुंचे हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, क्या उन्हें कोई रोजगार मिला, क्या उनकी भूख और व्यवसाय की जो समस्या है उसका कुछ हल निकला? जी देखिए, बिहार तो अभी महामारी के दौर से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी है जिसके व्यवस्था में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं साबित हो रही है। दूसरा है कि बिहार में अभी बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है, तो हमारा पूरा उत्तर बिहार जो है वो जलमग्न है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोगों के पास कोई वैसी सहायता नहीं पहुंच रही है सरकार की जिससे कि उनको कोई इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो जो अपनी जिंदगी को थोड़ा सहूलियत से जी सके। अभी तो अगर 2 रोटी का इंतजाम ही हो जाता है सभी के लिए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और बनावटी आपदा कोरोना के रूप में भी मानी गई है। तो सबसे पहले तो इसमें सरकार को चाहिए कि हर स्तर पे जाके वैसे लोगों को सहयोग दे जो वंचित हैं, जिनको जरूरत है, चाहे इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसमें समाज के उत्थान की बात है, समाज के सहयोग की बात है। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि लोग भी सहायता कर रहे हैं। अभी हमारी जो एक संस्था है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूनियन, तो इसके तहत हम लोगों ने कुछ लोगों को अप्रिसिएट भी किया है कि कुछ हमारे डॉक्टर्स मित्र हैं जो कोरोना में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको हमने एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देकर एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपील की है और ऐसे और लोगों को जोड़ने की कोशिश की है कि जो ज्यादा से ज्यादा
पब्लिक को सहायता दे सके। ये बिल्कुल समाज की बात आपने की, राजनीति को अछूता नहीं रखा जा सकता, चुनाव का समय है, राजनीतिक दलों पर नजर पूरे देश की रहती है, तीन मुख्य नेता मुख्य दल उनके जो है सक्रिय रहते हैं, एक लालू यादव और उनका पूरा जो संगठन है, इधर पासवान चिराग पासवान और तीसरी तरफ इधर नीतीश कुमार, सीटों का बंटवारा और चुनाव की अगली रणनीतियां, इन तीनों की कैसी नजर आती है अगर अलग अलग बात की जाए तो? देखिए इसमें ऐसा है कि अभी एक तीसरा मोर्चा भी तैयार किया गया है बिहार में, वो सरकार की विफल नीतियों पर यशवंत सिन्हा और कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल है, माननीय सांसद जो थे पप्पू यादव जी वो भी काफी काम किया है उन्होंने पटना में, तो राजनीतिज्ञ को ये समझ में आने लगा है कि पब्लिक को सिर्फ राजनीति के झंडे के नीचे बरगलाया नहीं जा सकता है, अगर हम पब्लिक कुछ काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें नकार देगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो लालू यादव हो, तो जो भी पार्टी है अगर वो खुलकर जनता के समर्थन में जनता के सहयोग में सामने नहीं आती है तो मुझे लगता है कि उसका बही खाता बंद हो जाएगा, वो पार्टी मटिया मेट हो जाएगी, सिर्फ बातें करने से बहलाने से, जातिवाद की बात कर लें जो बिहार का मुख्य राजनीति है, तो इन बातों से लोगों का पेट नहीं भरता, इन बातों से लोगों को सहयोग नहीं मिलता, इन बातों से लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, लोग अगर अस्पताल जा रहे हैं तो उनको क्या सुविधा मिल रही है, अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो दूसरी पार्टियां क्या इंतजाम कर रही है ये भी लोग देखेंगे, केवल सरकार पे आरोप प्रत्यारोप करके दूसरी पार्टियां चुपचाप बैठी बैठ जाती हैं तो वो भी उन्हीं की तरह हो गई, पब्लिक के लिए उनके क्या भावना है वो देखनी पड़ेगी, पब्लिक के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, तो इसमें सांसद पप्पू यादव जो है वो खुद ही इन्वॉल्व होके बहुत बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया है, एक अपनी पहचान बनाई है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह के जो पार्टियां हैं उनको जनता के साथ सीधा संवाद करना चाहिए, जनता के समर्थन में जनता के सहयोग में सीधा उतरनी चाहिए, राजनीति को अभी ऊपर रख के वो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें, उनकी राजनीति अपने आप चल जाएगी। जी बिल्कुल, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ मुझे ये लगता है कि जो चेहरे लगातार हम पिछले चुनावों में देखते आ रहे हैं, पटना जैसे शहर की बात की जाए तो क्या नहीं लगता कि इस बार कोई नया चेहरा पटना को मिले, ऐसा चेहरा जो पढ़ा लिखा हो, इलाके को जानता हो, इलाके को समझता हो, वही का स्थानीय निवासी हो, किस तरह के कैंडिडेट की पटना को जरूरत? जी देखिए, पटना एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ पे खेती नहीं है ज्यादा, जहाँ जो लोग रह रहे हैं वो रोजगार पे जीते हैं, वो बिजनेस पे जीते हैं, वो उद्योग पे जीते हैं, तो पटना के जितने उद्योग धंधे हैं पाटलिपुत्र कॉलोनी में हो या हाजीपुर में है, वो सारे चौपट हो चुके हैं, वो सब बंद हो गए हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पटना के परिवेश में, पटना का जो बेसिक नीड है, पटना का जो ये कह लीजिए कि पटना की जो वास्तविक जरूरत है लोगों के लिए वो है रोजगार की व्यवस्था, उद्योग की व्यवस्था, तो उस दृष्टिकोण से अगर कोई इस काम को करता है, लोगों को छोटे छोटे उद्योग से जोड़ता है, लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराता है, लोगों को काम में इन्वॉल्व करता है, लोगों के लिए कृषि की नई पॉलिसी लाता है, लोगों के लिए आप ये कह लीजिए कि ऑर्गेनिक खेती का डिमांड है उसके लिए लोगों को जोड़ता है, लोगों को छोटे उद्योग से जोड़ते हैं, तो वो पूरा एक असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पटना एक ऐसा बाजार है जहाँ पे अगर बिहार में पटना ही और मुजफ्फरपुर ये दो ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादा व्यवसाय होते हैं, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण को, व्यवसाय को स्थापित करने के दृष्टिकोण से वैसे लोगों का विजन चाहिए जो पटना को इस परिवेश में बदल सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, पटना को परिवेश बदलने की जरूरत है, एक नए चेहरे की जरूरत है, उम्मीद है कि पटना को विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे ही चेहरे लाकर सामने देंगे जो वास्तविकता और धरातल से जुड़े हो, वही की राजनीति और वही की वास्तविकता को जानने वाले हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने द 24/7 चैनल के इस लाइव कार्यक्रम को सुना, जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।